हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम एम टूडे आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ़ द अमेजिंग टेक्निक्स बहुत ही अच्छी टेक्नीस जो है वो मैं आज शेयर करने वाला हूँ टू क्रैक द आई बी पी एस एस सो मार्केटिंग एग्जाम्स यू कैन यूज़ दीज टेक्नीस वाइल्ड योर प्रपेशन वाइल्ड टेकिंग मॉक टेस्ट तो आप ये टेक्निक्स यूज़ करें एंड दीज टेक्नीस वुड हेल्प यू फॉर श्योर I mean that's how I teach my students and I thought why not to share these techniques with you so before starting let me tell you IBPS SO marketing mains course is already available in your dashboard links are available in the description we are providing complete syllabus coverage with the help of video classes notes and the test series so links are available in the description dig in deep it's very important students questions jo you wo काफी deep se uh, you cannot expect the examiner to ask the basic questions the questions are, are actually easy but they are deep for example the types of market segmentation is there okay so they may ask you which kind of factor is lifestyle it is psychographic segmentation they, they may ask you what kind of uh, factor it is the lifestyle the attitude

विच ऑफ द फॉलोइिंग इज नॉट अ बेस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन सो इनमें से कौन सा ये देखो टोटली डिफरेंट है ओके okay, बेसिस देख लीजिए जोग्राफिकल डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक बिहेवियर इसमें से आपको सारे मिल जाएंगे क्या नहीं मिलेगा रॉ मटीरियल इम्पॉर्टेंट वेरी ईजी क्वेश्चन लेकिन एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग जार्गन अगर आपको डिफिकल्ट टर्म्स नहीं पता मार्केट market के मार्केटिंग की तो क्वेश्चंस को आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा नो मैटर व्हाट क्वेश्चन को आंसर करना डिफिकल्ट हो जाएगा गिव इट अ लुक द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट कस्टमर्स आर व्हाट सो लेट्स अज्यूम कि मैंने आपको सेगमेंटेशन का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया आपने बुक में से पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है लेट्स अज्यूम कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया एंड इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ ह्यूमोजीनियस एंड हैट्रोजीनियस दैन नो मैटर वॉट चाहे आपने पूरा सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेकिन अगर आपको ह्यूमोजीनियस और हैट्रोजीनियस का मीनिंग नहीं पता तो आप आंसर नहीं कर सकते राइट यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स राइट सो सेगमेंटेशन क्यों होता है बिकॉज द कस्टमर्स आर डिफरेंट है एज इज डिफरेंट है जेंडर इज डिफरेंट है लाइक आर डिफरेंट है लाइफ स्टाइल्स आर डिफरेंट सो Customers are different. Every person is unique. So customers are heterogeneous. They are not homogeneous, they are heterogeneous. Homogeneous means heterogeneous. Then you need to use images to memorize. Images help you a lot. Images can help you a lot. For example, this image. What do you mean by upselling? So instead of selling you small fries, I'm giving you an offer. To buy large fries right i'm telling you sir this small fries it will cost you like uh, 50 rupees while a large fries will cost you 60 rupees while it, the quantity is double you're going to buy the large fries that is upsell so this this image is explaining the whole concept while what is cross selling you went to buy the fries but i offered you drink you bought the drink then i offered you burger सो दिस इज क्रॉस सेल दिस इज क्रॉस सेल की मैं आपको और डिफरेंट प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहा हूं जो आप प्राइज के साथ ऑब्वियसली आप ड्रिंक लेना चाहोगे सो दट इज क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग मीन्स आई एम ऑफरिंग यू द हाई क्वांटिटी प्रोडक्ट से महंगे वाला प्रोडक्ट में ऑफर कर रहा हूँ सो दिस इमेज इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इमेज इज एक्सप्लेन एवरीथिंग इमेज बहुत हेल्प करती है ओके सो दिस क्वेश्चन यूजिंग अ कस्टमर हिस्ट्री टू सिलेक्ट आइटम

अ वेरी लार्ज मार्केट और वाइड कलेक्शन ऑफ स्मॉलर सेगमेंट इज नोन एज मास मार्केट वट यू मीन बाई मास मार्केट हीरो के मोटरसाइकिल जो हैं वो मास मार्केट को टारगेट करते हैं हीरो बाइक्स वो पूरे इंडिया को टारगेट करते हैं इवन अब्रॉड भी एक्सपोर्ट होते हैं लेकिन गिव अ लुक टू स्पलेंडर और हीरो पैशन वो मास मार्केट को टारगेट करता है हर कोई उसे परचेज कर सकता है वट यू मीन बाय मार्केट सो रॉयल इनफील्ड बुलेट सो इट्स अ अवियर बाइक इट इज़ नॉट टारगेटिंग द मास मार्केट थोड़ा सा एक छोटा सा निश है जो हैवी बाइक चलाना चाहता है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ निश मार्केट क्योंकि एग्जाम में हो सकता है निश मार्केट आ जाए वट इज मेटा मार्केट ये पिछले एग्जाम्स में आया था मेटा मार्केट जैसे ऑटो पार्ट्स की शॉप्स हैं ऑटो पार्ट्स की शॉप्स हैं दस शॉप्स पंद्रह शॉप्स एक साथ है दस से पंद्रह शॉप्स एक साथ है दैट इज द मेटा मार्केट सो दस पंद्रह शॉप्स है एक ही साथ है ऑटो पार्ट्स की दैट इज मेटा मार्केट वट यू मीन बाय मल्टी लेवल मार्केट

व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव डिमांड ये पिछले एग्जाम में आया था नेगेटिव डिमांड फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेंटिस्ट की सर्विस है आप नहीं लेना चाहते लेकिन दैट इज़ यू नो यूज़फुल फॉर यू दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू सो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव डिमांड सो सिमिलरली लेटन डिमांड इरेगुलर डिमांड इरेगुलर डिमांड जो रेगुलर नहीं है काइट्स काइड्स uh, है जैसे uh, <coughs> काइट्स साल में आई गैस एक दो महीने ही उड़ाए जाते हैं देन ऑब्वियसली दट इज द डिमांड फॉर काइड्स इज नॉट रेगुलर लेट एंड डिमांड देर इज अ डिमांड विच इज नॉट फुलफिल्ड येट आई वॉन्ट टू बाय अ प्ले स्टेशन फाइव बट इट इज नॉट अवेलेबल ऑफलाइन और ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लेट एंड डिमांड ओके सो अनह होलसम डिमांड Maybe something that is in, uh, dangerous for you, but you are still consuming that, you should not consume that. So that is unwholesomeness demand. Okay. So learn the definitions. That is also very, very important. Student, you need to learn the definitions. Exams may aise questions. For example, this one the process of discovering patterns, discover career patterns, relationships using the available customer data.

Serversakte and that the way you save your data and processing your data to discover patterns is data mining. Okay, so database is generally the process. Okay. So students IBPS SO Marketing 2023 course is available on bankexamsoda.com in which we are covering the entire syllabus with the help of video classes, notes, and the test series, and we also provide the interview preparation guidance. Links are available in the description. A list of our successful students in 2022. All these students that took our courses in 2022, 2021, and 2020, and they got finally selected. I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts. My WhatsApp number is always with you 9067201000. This is my personal WhatsApp number. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts, and I'm going to answer your doubts. And that's actually all for today, students. Thank you, and have a very nice day. Bye bye.